नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डीकोड एग्जाम पे। छात्रों, जैसे जो सीरीज हमारी चल रही थी, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे पीवाईक्यू बेसिस पर जनरल साइंस के, उसी के क्रम में अगर हम देखें तो आज सामान्य विज्ञान के, ठीक है, 30 बेहतर चुनिंदा क्वेश्चंस पर हम लोग जो है अभी अध्ययन करेंगे और उस पर जो है व्याख्यात्मक रूप भी देखेंगे। 15वां जो है आज ये आपका उसका क्रम है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ आज हमने विशेष जो है कुछ क्वेश्चन आपके करा दिए हैं, ठीक। इसके अंदर आगे बॉटनिकल नेम्स हमने करा दिए, बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम्स पर कुछ क्वेश्चन हमने बढ़ा दिए, ताकि आपको कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं जो छात्रों बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में उपयोग हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और जवाब दीजिए छात्रों। यहाँ पे फिजिक्स का सवाल है, व्हेन ए बॉडी आर मास इन टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मून, यानी कि हम पृथ्वी से किसी भी पदार्थ का, यानी किसी भी, कह रहा है कि पिंड को अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। पहला कहता है द्रव्यमान बदल जाएगा लेकिन वजन वही रहेगा, यानी भार वही रहेगा, द्रव्यमान बदल जाएगा। दूसरा कहता है भार में तो परिवर्तन हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान समान रहेगा। तीसरा है भार और द्रव्यमान दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। चौथा, भार और द्रव्यमान दोनों वही हैं, ठीक है, दोनों रहते हैं। तो छात्रों, अब आप देखेंगे कि मास अलग होता है, जिसे हम कहते हैं एम, इसको कहते हैं द्रव्यमान छात्रों, ठीक है। और अगर हम भार के बारे में बात करें तो छात्रों इसको बोलते हैं एम जी, तो ये है डब्लू छात्रों, इसको हम कहते हैं भार, ये ध्यान दीजिएगा। और आपसे हमने हमेशा बताया था कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता किसी भी पिंड का, वस्तु का, कहीं भी नहीं, पूरे यूनिवर्स में आप चले जाएंगे द्रव्यमान रहेगा, ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। लेकिन बदलता है क्या, भार। क्यों? क्योंकि इसमें जो जी लगा होता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ये परिवर्तित हो जाता है। आप किसी भी प्लैनेट पर कहीं भी जाएंगे, यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी आप इधर से उधर कहीं भी चले जाते हैं, आप भूमध्य रेखा से ध्रुव पर चले जाएँ, ध्रुव से आप जो है किसी और जगह जाएँ, परिवर्तित होगा। तो कहता है भार में तो परिवर्तन होगा लेकिन साथ तो द्रव्यमान समान रहेगा। तो दिए गए प्रश्न नंबर के अंदर अगर हम देखें एक में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न कहता है, पर्सन इज ए हर्ट ऑन किकिंग ए स्टोन ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपको पत्थर कोई खींच के मारता है तो वो किसका परिणाम है, आपको तकलीफ होगी, आपको लगेगा। तो भौतिक विज्ञान का कौन सा एक नियम है जो इसका थोड़ा फॉलो करता है इसको। पहला कहता है वेग, वेलोसिटी, इनर्शिया का मतलब जड़त्व के वजह से, मोमेंटम संवेग की वजह से, या रिएक्शन प्रतिक्रिया की वजह से। तो छात्रों आपने पढ़ा होगा, जितना है ना आप किसी चीज़ पर किसी भी क्रिया करते हैं उसी के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया भी आपको देखने को मिलती है। जैसे आप ईंटा हो या आपने बॉल को जो है दीवार पे मारा, तो दीवार भी उसकी क्या करेगा, रिवर्ट प्रतिक्रिया करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो अगर आपको ईंटा मारा गया है तो छात्रों ईंटा आपके शरीर से टकराया और आपके शरीर ने भी उसकी प्रतिक्रिया दिखाई है छात्रों। जितना ज़्यादा पावर से आप मारेंगे, जितने बल लगा के आप उस पर हिट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको चोट भी लगेगी। तो सामान्यता यहाँ पे कह रहा है न्यूटन का जो तीसरा नियम है, इक्वल, ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन है, क्रिया तथा उसके बराबर विपरीत प्रतिक्रिया के संदर्भ में देखें, तो आपका दिए गए प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, प्रतिक्रिया के कारण। तीसरा जो है द फ्यूज इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए छात्रों, आप फ्यूज वायर को तो जानते ही, हमने आपको पढ़ाया भी है कई बार प्रश्नों में आया तो बताया भी है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू जो हमारे विद्युत उपकरण होते हैं उसके अंदर छात्रों फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं। सर्किट मेल्ट वेंट देयर इज द हाई राइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्यूज वायर कब आपका जल जाता है, कब टूट के अलग हो जाता है छात्रों, ये पूछ रहा है। किस स्थिति में, किसके ज़्यादा होने से, प्रतिरोध के ज़्यादा होने से, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रतिरोध, संधारित्र की वजह से, कैपेसिटेंस का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। तीसरा है छात्रों, करंट बहुत ज़्यादा पास होने लगती है, या इंडक्टेंस छात्रों जिसको हम प्रेरकत्व बोलते हैं, इसकी भी आवश्यकता यहाँ पे छात्रों नहीं है। तो विद्युत धारा का छात्रों जब शॉर्ट सर्किट होता है, विद्युत परिपथ में लघुता आ जाती है, तो छात्रों उस वक्त क्या होता है, धारा किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहने लगती है। तो फ्यूज वायर जो होता है कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं, जो कि ऊँची विद्युत धारा के मान के समय छात्रों क्या होता है, वो तप्त हो जाते हैं, तप्त होने के बाद वो पिघल के जो है टूट जाते हैं जिससे। तो छात्रों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी करंट के कारण, यानी विद्युत धारा के कारण। चौथा प्रश्न बड़ा अच्छा है भौतिक विज्ञान का, ए डायनेमो इज ए डिवाइस विच, डायनेमो आपने सुना होगा, टर्बाइन आपने सुना होगा, जनरेटर के बारे में छात्रों आपने सुना होगा। जैसे कि आपको पता होगा छात्रों कि कुछ ये किसी ऊर्जा को किसी और ऊर्जा में रूपांतरित करने में सहायता करते हैं, ठीक है, यानी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परावर्तित करते हैं। तो डायनेमो को आपने अच्छी तरह से बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा बनाता है डायनेमो, विद्युत ऊर्जा बनाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो छात्रों आपको पता है कि डायनेमो जो है मैकेनिकली मूव करता है, यानी जनरेटर जो है वो आपने देखा होगा डीजल इंजन के द्वारा उसको घुमाया जाता है, ठीक, एक दिशा के अंदर घुमाया जाता है। टर्बाइंस जो होते हैं जहाँ विद्युत का उत्पादन होता है तो वो ये घूमते हैं, जब घूमते हैं का मतलब होता है यांत्रिक, मैकेनिकल। मैकेनिकल से क्या होता है छात्रों, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है विद्युत जो है सिद्धांतों के अनुरूप। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका उपयोग आपको पता है दुनिया भर में कहीं ना कहीं किसी जगह पर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल जनरेटर आपका, छात्र जनरेटर का काम वही है जो डायनेमो का है, ये विद्युत धारा का सृजन करता है। पाँचवा जो छात्र आ गया है ये थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा है, भौतिक विज्ञान का एक सवाल है। बोलोमीटर इज ए यूज टू मेजर, बोलोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जो नापता है, ठीक है, फ्रेक्वेंसी आवृत्ति वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य टेम्परेचर ताप और वेलोसिटी। छात्रों यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है तापमान, ठीक है। तो ये जो बोलोमीटर है ये कुछ इस प्रकार है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में मिल जाएगा। ये ताप यानी कि प्रतिरोध का जो तापमान होता है उसके आधार पर ये विद्युत धारा के अंदर बात बताता है, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि ये चुंबकीय किरणों के बारे में, उनकी इंटेंसिटी के बारे में तब बताएगा जब ये दिए गए किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है उसका जो तापमान होता है उस तापमान के आधार पर यह काम करता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करके। तो यहाँ कुल मिला के थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछा गया, इसलिए हमने आपको यहाँ पे बताया कि बोलोमीटर जो होता है वो तापमान को डिटेक्ट करता है, जिससे कि हम आगे प्रक्रिया को या जो है भौतिक विज्ञान के अंदर इसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं छात्रों। लेकिन आपको बोलोमीटर टेम्परेचर ही के बारे में बताना पड़ेगा। छठा प्रश्न बड़ा ही दिलचस्प है, जैसा कि आप देखते हैं, ए सोप बबल सो कलर्स वेन एल्यूमिनेटेड विद वाइट लाइट, दिस इज ड्यू टू। जैसे आपने देखा है कि साबुन का बुलबुला जो होता है वो रंगीन दिखाई पड़ता है, तेल की पड़ी हुई परत जो होती है रोड के ऊपर वो कलरफुल दिखाई पड़ती है, इसके पीछे कारण क्या है? तो छात्रों आप बताएंगे, भौतिक विज्ञान की एक घटना है जिसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण और प्रतिबिंब यानी कि परावर्तन। तो छात्रों आपको बता दें इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। बड़ा अच्छा घटना है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया छात्रों, इसको नज़रअंदाज मत करिएगा। क्योंकि तेल की परत अगर आपने देखा होगा कभी कार या व्हीकल वगैरह कहीं पर खड़ी रहती है, बारिश का महीना हो जब चली जाती हट जाती तो कुछ बकारा वहाँ पे ड्रॉप वगैरह डीजल या पेट्रोल की गिर जाती है, तो आपने देखा वो कलरफुल दिखाई देती है। ये घटना घटती भौतिक विज्ञान में, आपने जब पढ़ा होगा तरंगों के बारे में तो उसी में छात्रों आप पढ़ेंगे किसी के अंदर लाइट वाले चैप्टर में, तो आप पढ़ेंगे तरंग जो है वेव जो रेज होती हैं वो अध्यारोपित होती हैं अलग अलग जो है फ्रिक्वेंसीज की होती हैं, इसके कारण ये व्यतिकरण या हम इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं, इसके कारण छात्रों ये घटना घटती है। अगला प्रश्न है, चावल पकाना मुश्किल है छात्रों, चावल खाना कह दे तब भी ठीक है, चावल ना कहता अगर खाना कह देता कहीं पे भी बनाना मुश्किल है, तो किस जगह पर बनाना मुश्किल है? ऐसा नहीं कि वो आपको पकड़े हुए है या आप बना नहीं पा रहे, कहने का मतलब पकाने में, पकाने का मतलब होता है जल्दी से, है कि नहीं छात्रों, पक जाना। कोई भी नहीं चाहता कि खाना घंटों बैठे रहे हम उसको अंदर पकाते रहे, नहीं छात्रों, हर इंसान चाहता है कि त्वरित जो है भूख लगी है खाना फट से बन जाए। एक सबसे बड़ा कारण यही कि लापरवाही इसी वजह से आती है कि खाना बनाने में समय लग रहा है छात्रों। कहता है कि एट द टॉप ऑफ माउंटेन, अगर आप चावल लेके हांडी अपनी वहाँ पहुँच जाएंगे पहाड़ पे, वहाँ ज़्यादा मुश्किल होगी बनाने में। एट द सी लेवल, सी लेवल पर आप रहते हैं जो समुद्र का तल है, अंडर ए माइन यानी किसी भी आप जाके खदान के अंदर बैठ जाते हैं जाके, वो भी हो सकता है, सेम एनीवेयर कहीं पे भी समस्या ही रहेगी इन तीनों में से कहीं पे भी। तो छात्रों आपको पता है अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, दाब घट जाता है, कौन सा, वायुमंडलीय दाब। जब घट जाता है छात्रों तो उसका जो बिंदु होता है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है छात्रों, वो राइज कर जाता है। यानी कि राइज करने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ थोड़ा सा पहले उबलनी है पृथ्वी पर मान लीजिए तो 100 डिग्री पर, तो वहाँ ज़्यादा उसको जो है तापमान की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि प्रेशर वहाँ पर घट गया है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है छात्रों, जिससे चीज़ें जल्दी क्या है मेल्ट हो जाती हैं, गल जाती हैं। इसलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दाब इतना ज़्यादा रहता है कुकर के अंदर जिसकी वजह से तापमान ऊँचा हो जाता है और चीज़ें जल्दी से पक जाती हैं छात्रों। तो वहाँ पे क्या होगा, अधिक ऊंचाई पर इसीलिए खाना बनाना, चावल पकाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है छात्रों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पर कम हो जाता है। आठवां प्रश्न कहता है कि मिराज, मिराज क्या है, मरीचिका, मृग तृष्टिका भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मृग तृष्टिका, मृग मतलब होता है कस्तूरी मृग, तृष्टिका इसको बोलते हैं छात्रों, कि ये सूखे की वजह से बनता है। अक्सर आपने देखा है रेगिस्तान में दूर से ये बनता है, ऐसा लगता है कि छात्रों पानी भरा हुआ है, आपको चीज़ें उल्टी नज़र आएंगी, बखूबी दिखेगा पानी भरा है, नहीं,
हाईवे पे चले जा रहे हैं आप देखेंगे गर्मियों के दिनों में तो बहुत अच्छा बनता है कि आप देखेंगे पानी भरा है, लेकिन करीब जाएंगे पानी गायब हो जाएगा। एक धोखे भरी घटनी है, धोखेबाज घटना कह सकते हैं इसको, ठीक है, एक भ्रम कह सकते हैं कि मृत तृष्णिका किसके कारण बनती है। कहता है कि जब जमीन गर्म होती है और उससे परावर्तन होता है तरंगों का, किरणों का, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरा प्रकाश का व्यतिकरण, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। और चौथा है प्रकाश का विवर्तन। तो छात्रों आपको पता है कि एक घटना है जिसे शॉर्टकट में हम लोग TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपी, ठीक है छात्रों, मिराज, ये सारी घटनाएं जो होती हैं छात्रों इसी घटना पर आधार होती हैं। विभिन्न परतें होती हैं वायुमंडल की, आपने देखा होगा, हवा है, ठंडी हवा, गर्म हवा होती हैं, उसी के अंतर्गत ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जैसे कि हीरे के अंदर घटना घटती है और ऑप्टिकल फाइबर में। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी यहाँ पे होगा छात्रों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको चीज़ों को और डेप्थ में पढ़ना है तो क्लासेज आप पूरी पूरी करिए। नवा क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है, यहाँ पे कुछ हम बॉटनिकल नेम आपके सामने ला रहे हैं छात्रों। यहाँ पे कहता है टेक्टोना ग्रांडिस लिन, ये लिन लगा हुआ, कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है, टेक्टोना ग्रांडिस लिन को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई ये तो हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने टेक्टोना ग्रांडिस पढ़ा है। बेहद इंपॉर्टेंट पौधा है छात्रों, इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम आपसे पूछ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, गवावा, टीक, सागौन, आंवला, ठीक है छात्रों, ठीक है, आंवला जिसे भी बोलते हैं, और चीकू छात्रों। तो आपको सारे उपयोगी पौधों में देखें, ये आपका जो टीक होता है छात्रों, इसको याद करना बहुत आसान है, टेक्टोना ग्रांडिस, इसका क्या नाम है, टेक्टोना ग्रांडिस सागौन है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं छात्रों, बिल्कुल इरेक्ट पौधा होता है, और भारत में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर इसकी बौछार है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएगा। सागौन टिम्बर के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, ये काफ़ी हैवी लोड के लिए छात्रों बना है, यानी इस पर आपने देखा है कि छतों के अंदर गाँव में लगहर धन्नी बोलते हैं, जिसमें आपने बीम डालते हैं, पूरी पूरी कच्ची छत रहती है, उसके ऊपर आप चलते हैं फिरते हैं छात्रों, आपके ऊपर फर्क नहीं होगा, इतना ज़्यादा मजबूत होता है। आपने देखा ट्रेन के पहले स्लीपर बनाए जाते थे ऐसी सागौन की लकड़ी से छात्रों। तो टेक्टोना ग्रांडिस जो होता है, जो है लिन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है छात्रों, आगे आएगा सवाल उनके नाम के लिए है क्योंकि उन्होंने इसका नामकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। इसकी फैमिली है लेमिएसी, ऑर्डर जो दिया गया है इसका, यानी जो वर्ग है वो है लेमिएलिस नाम है इसका छात्रों, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है डेलोनिक्स, ठीक है, रेजिया, रेफिन, किसका वैज्ञानिक नाम, इनको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट छात्रों, बनियान ट्री, गुलमोहर, ठीक है, और गुलमोहर को तो आपने देखा है फूल का पौधा होता है, टेमरिंड जो होता है इमली है, चीकू को आप जानते हैं, तो छात्रों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो गुलमोहर का होगा, ठीक है, डेलोनिक्स। गुलमोहर आपने देखा है कोई खास इसकी लकड़ी बहुत मजबूत नहीं होती, ना जलावन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये कि ये सुंदरता के लिए, और इसके जो बीज निकलते हैं उससे कुछ ना कुछ लोग जो है आयुर्वेदिक या हम कह सकते हैं यूनानी वाले लोग इसका कुछ ना कुछ अपना बनाते रहते हैं वैद्य लोग। तो डेलोनिक्स, रेजिया, रेफिन, गुलमोहर परिवार से है, फेबेसी इसका जो है परिवार है, फैमिली है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम आपको पता ही चल गया छात्रों, और इसका जो ऑर्डर है वो फैबलीज है, ऑर्डर का मतलब होता है जो गण है होता है, ठीक है। अगला 11वां प्रश्न छात्रों, एम्बेलिका एफिसिनेलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीपल, आम, आंवला, ड्रम स्टिक छात्रों, ठीक है, ड्रम स्टिक जो है ये यहाँ पे जो कह रहा है एम्बेलिका। तो छात्रों आपको यहाँ पे नाम से भी पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत ही उपयोगी अगर हम देखें मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ युक्त है, जो कि आपके सबसे ज़्यादा मस्तिष्क और आपकी जो टूट फूट की मरम्मत है छात्रों, और विटामिन सी के साथ काफ़ी ज़्यादा, और विटामिन ई भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम आंवला कहते हैं छात्रों, न जाने कितने इससे प्रोडक्ट बनते हैं आप सबको पता ही होगा। आंवले का वैज्ञानिक नाम एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस है, परिवार फैलिएंथेसी है, और गढ़ माल पिगिलियसिस नाम है। तो आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा छात्रों, इसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, बहुत रेयर आप दोरे से कभी पूछा जाए, लेकिन आप छात्रों इसका नाम से याद रखिएगा जो पूछा जाता है। आंवला जो बहुत चुनिंदा है, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं से संबंधित हम यहाँ पर प्रश्न और उत्तर आपको छात्रों करवा रहे हैं। रोडेंसिया सौरियस किसका वैज्ञानिक नाम है, रोडेंसिया, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सौरियस एज अ साइंटिफिक नेम ऑफ। अब छात्रों यहाँ पे जो नाम है इसको याद करना बड़ा आसान है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। ये जो नाम पढ़ा है छात्रों वो रोडेंट से पढ़ा है, ठीक है, रोडेंट से, आंवले से एम्बेलिका पढ़ गया आपने कर लिया। रोडेंट का मतलब होता है रदनक, कुतरने वाले, ठीक है, जिनके चूहा, गिलहरी, खरगोश, ठीक है, ये सब क्या है, सब कुतर के खाते हैं छात्रों। लेकिन यहाँ पर रैड भी है,
बीवर भी है छात्रों, बीवर, बीवर बोलते हैं, बीवर भी बोलते हैं, स्क्वायरल गिलहरी है, प्लेटीपस एक डकबिल प्लेटीपस होता है जो कि अंडे भी देता है और बच्चे को दूध भी पिलाता है, एक तो वो जीव हो गए। यहाँ पे स्क्वायरल गिलहरी को सब जानते हैं छात्रों कि कुतरने वाला काम करती, जिस परिवार से गिलहरी है उसी से छात्रों बीमर भी है, उसी से छात्रों रैट भी है, तो रैट और रैबिट भी है, रैबिट भी जो है कुतरता है यानी खरगोश है छात्रों। अगर देखें तो इसका जो रोडेंशिया सावरस गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, और ये इसका जो फैमिली है, जो परिवार है छात्रों, स्कोरिडी नाम है, आर्डर रोडेंशिया जो है इसका जो गण है, रोडेंशिया के नाम से इसका नाम पड़ गया, ठीक है छात्रों। और इसमें हमने आपसे बता दी ये अकेले नहीं है, कुतरने वालों में चूहा, गिलहरी, खरगोश, बीमर, ये चार लोगों का नाम याद रखिएगा। अगला जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों, एग्जाम में कई बार इसका नाम पूछा जा चुका भिन्न भिन्न परीक्षाओं के अंदर, एज़ाडीरक्टा, ठीक, इंडिका, इंडिका का मतलब भारतीय छात्रों, यहाँ पे जब भी इंडिका लग जाए एपिस मेलिफिका, एपिस इंडिका छात्रों, ठीक है, मैंजिफेरा इंडिका छात्रों, ठीक है, यहाँ पर जब भी नाम आ जाए तो इंडिका का मतलब ये भारतीय है, ठीक है छात्रों, भारतीय मूल इसका मान लीजिए एक तरह से रहने वाला, नीम, टीक, सागौन, सिल्वर ऑक और तुलसी छात्रों, तो आपको पता है कि एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी का और थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा भारत में स्थान है, रिलीजियस, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू भाई हो, उन सब के अंदर भी देखा होगा रिलीजियस एस्पेक्ट है, यानी पूजनीय भी है, ठीक है छात्रों। इसका हर्बल यूज़ है, साबुन के रूप में भी, नहाने के रूप में भी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, ठीक है, दतून के रूप में भी छात्रों, ठीक है, फोड़े फुंसी के लिए, सुंदरता के लिए, साफ़ी वगैरह भी बनाया जाता है, और छात्रों अगर हम देखें दतून वगैरह के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, भारत के द्वारा ये पेटेंट भी है छात्रों, ठीक है। एज़ाडीरक्टा इंडिका भारतीय नीम है जो कि बहुउद्देशी जो है, अगर हम पौधा की बात करें मल्टीपर्पज़ इसका इस्तेमाल, इसकी निमकोली से तेल वगैरह भी निकाला जाता है, इसी से साफ़ी बनती है, हमदर्द में आपने देखा होगा जो कि खून को साफ करने के लिए, मुहासे की हील को ख़त्म करने के लिए, मेलियसी गढ़ है, ठीक है, यहाँ पे सेपिडेंडलस नाम इसका भूलिएगा नहीं। चौदहवां प्रश्न है छात्रों जो है, एकरस सपोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। तो इसको पहला ऑप्शन है इसमें कस्टर्ड एप्पल या कस्टर्ड सेब, या तो आप शायद कभी सुने हो, सेब का नाम तो सब सुने लेकिन कस्टर्ड एप्पल, तो कस्टर्ड तो आपने खाया होगा शायद, जिसमें कि कई सारे फलों को जो है दूध को के अंदर पकाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर कस्टर्ड पाउडर मिलाकर बनाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। गुलमोहर को आप पढ़ चुके हैं, ये तो नाम होना नहीं है। टैमरिंड, इमली, इमली को आप सब जानते हैं छात्रों, चीकू को भी आप जानते हैं, उनकी भी बारी आएगी भी। ये जो सपोटा नाम छात्रों लिखा है ये इसका कस्टर्ड एप्पल का है छात्रों, आपने कभी नाम सुना होगा इसका, ठीक है, इसका नाम है शरीफा, शरीफा आपने देखा होगा, कस्टर्ड एप्पल को बोलते हैं हम लोग, और इसमें कई सारी बहुत सारी गांठ होती हैं, और बेसिकली ये ठंडे के महीने में आपको महीने में बखूबी मिल जाएगा जब ठंडी खूब पड़ती है, और बड़ा ही टेस्टी होता है, और इसके अंदर सीड से भरा रहता है, बीज ही बीज इसके अंदर रहती हैं गूदे के साथ में, इसको बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल या शरीफा छात्रों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे छात्रों, सॉरी ये शरीफा नहीं छात्रों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया है, ये होगा चीकू का छात्रों नाम था, और इसका भी अभी आएगा, आगे भी आने वाला है, ठीक है, चीकू, यहाँ पे हमने कस्टर्ड एप्पल आपको बताया लेकिन इसकी भी अभी नाम आने वाला है, मिस्टेक्स हो गया। आगे छात्रों यहाँ पे चीकू के अलावा फिर हो गया मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजिफेरा इंडिका, फिर वही बात आई छात्रों, यहाँ पे नाम जो आया इंडिका के नाम से, इंडिका का मतलब, हमने आपको छात्रों जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो उस टाइम में आपसे बताया था कि दो दो नाम हर चीज़ के होते हैं, पहला वाला जो नाम होता है वो वंश होता है, जीनस, और दूसरा वाला जो छात्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका स्पीसीज, जाति। तो इसका वंश क्या है, मैंजिफेरा, और इसकी जाति क्या है, इंडिया, यानी स्पीसीज है, ऐसे हमारा नाम होमो सेपियंस, तो होमो हमारा वंश है और सेपियंस हमारी जाति है, ठीक है छात्रों। तो दो दो नाम आते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15 का, तो मैंजिफेरा तो हमें नहीं लगता कि शायद किसी को समस्या आई हो और किसी को शायद ना, देखिए मैंगो मैंजिफेरा दोनों याद करना बड़ा आसान है, जैसे अभी कन्फ्यूजन हमें खुद हो गया, तो छात्रों यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मैंगो से बना MANG, वहाँ ओ लगा है, वहाँ पे मैंजी लगा है, मैंजिफेरा इंडिका क्या है, भारत, कहते हैं छात्रों ये जो भारत जो आम है ये इंडो बर्मन ओरिजिन माना गया है, इंडो बर्मन ओरिजिन का मतलब है कि इंडिया और बर्मा, जो म्यांमार जिसे हम आज बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम रंगून जिसकी जो कैपिटल थी, तो छात्रों वो क्या है, ये पूरा एक बेल्ट है जहाँ पर आम को दुनिया में माना गया कि इनका निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 15 का बी होगा एनाकार्डियसी गढ़ और सेपेंडिस, ठीक है, यहाँ पे जो है सेपेंडल्स इसका गढ़ है। अगला है छात्रों 16, आपको जीव जंतुओं के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, छात्रों पैंथेरा
टाइग्रिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा वंश है, टाइग्रिस जाति है, पैंथर टाइगर गोट और वेल। अब छात्रों अगर आप पैंथर देखेंगे तो आपका पक्का आप कहेंगे कि भाई यही रहा होगा ऑप्शन पहला पैंथर, ठीक है। टाइगर, टाइगर का नाम ही नहीं लेकिन है, पहला नाम पैंथर का पैंथरा से मिल रहा है छात्रों, और टाइग्रिस से टाइगर का नाम मिला। टाइगर का मतलब जो होता है बाघ होता है छात्रों, क्या होता है बाघ, तो ये बाघ का नाम है जो भारतीय, अगर हम कहें कि हमारा जो है भारतीय क्या है, जैसे कह सकते हैं हम लोग जैसे छात्रों जैसे राष्ट्रीय हम कह सकते हैं पशु है छात्रों, तो राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है पैंथरा टाइग्रिस है, ठीक। इसकी कई सारी प्रजातियां हैं, तो टाइगर ने लिखा था टाइग्रिस में और पैंथरा लिखा है पैंथर में, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा डालता है। ये जो कार्निवोरा जो लिखा है छात्रों, कार्निवोरा का मतलब है कि साफ सब्जी वाले नहीं है, ये मटर पनीर चाउमीन नहीं खाएंगे छात्रों, ये मांसाहारी है। कार्निवोरा इनका जो है गण है और फैमिली जो है वो फेलिडी है, फेलिडी का मतलब होता है जो फेलिस बिल्ली वाला परिवार, बिल्ली वाला जितने बिल्ली वाले हैं छात्रों, छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली, ये बिल्ली वाला परिवार है पूरा, कैट फैमिली है। तो क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये था आपका ठीक है 17वां, फेलिस कैटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। अब देखिए आप इसको कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो लिखा ना कैटस और फेलिस, फेलिस हमने आपसे बताया कि परिवार है, ठीक है। कैटस कैट डॉग माउस और परक्यूपाइन, इसको आप जानते हैं शाही बिल्ली। क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, बिल्ली दिल्ली का कैट जानते हैं, कैटस नाम है, इसको याद करना आसान है छात्रों, लेकिन आपको बता दें कई बार छात्रों वहाँ पर कैटस नहीं रहता, ओनली फेलिस लिखा रहेगा, फेलिस से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो फेलिस में आप बिल्ली का आंसर टिक कर सकते हैं, फेलिडी ऑर्डर कार्निवोरा, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि गढ़ इनका वही है, ये भी सब वही हैं, नुकीले इनके जो कैनाइन दांत होते हैं बड़े होते हैं, चीरफाड़ करना इनकी जो है प्रवृत्ति होती है, इसलिए छात्रों यहाँ पे हम लोग गलती कभी ना करें, तो इसका ऑर्डर कार्निवोरा है, फेलिडी नाम के जो है ये परिवार से संबंधित है, यानी बिल्ली वाले परिवार से। एनोनाना एस्कोमोसा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, अब देखिए छात्रों आ गया एनोनोना, ठीक है, एनोना एस्कोमोसा किसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। कस्टर्ड एप्पल पपीता भबूल लिखा हुआ है यहाँ पे छात्रों, और ड्रमस्टिक जो है यहाँ पे आप जानते हैं, अब देखिए ये वही आ गया जिसके बारे में हम आपसे पहले बता चुके थे, कंफ्यूजन आ गया था, सपोटा वाला जो था वो चीकू का था छात्रों, ये आ गया आपका कस्टर्ड एप्पल, जिसे हम छात्रों कई नाम और भी इसके कई बार हम लोग सुनते रहते हैं, कभी आपने काशीफल सीताफल सुना होगा, काशीफल कई बार कन्फ्यूज़न है, काशीफल कद्दू के लिए और सीताफल छात्रों इसको कस्टर्ड एप्पल को यानी शरीफे को भी बोलते हैं, तो आप देख लीजिएगा हम इस पर पूरी तरह सहमत नहीं, लेकिन जो सीताफल और काशीफल, सीताफल जो है बेसिकली कद्दू को कहा गया है, और जो ये आपका कस्टर्ड एप्पल है इसको ठीक है सीताफल, ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान इसमें जो कस्टर्ड एप्पल को कहा गया, ठीक है एनोना, ठीक है एस्कोमोसा कस्टर्ड एप्पल का वैज्ञानिक नाम है, एनोनेसी नाम परिवार से संबंधित है, ठीक है इनका ये था वैज्ञानिक नाम। अगला छात्रों द्विपद नाम पद्धति या बाइनोमियल, ठीक है यहाँ पे कहें बाइनोमियल नेमल ने जो है नोमेनक्लेचर, तो बाइनोमियल का मतलब छात्रों वही बात आती है जो हमने आपको इस चैप्टर में बताया था क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, दो नाम, दो नाम का मतलब पहला वाला उसका वंश और दूसरा छात्रों जाति, पहला है होमो और दूसरा है सेपियस, मस्का डोमेस्टिका, राना टिग्रीना, कोक्कस न्यूसीफेरा, एलियम सेटाइवा, ठीक एपिस मेलिफिका, ठीक जितना भी नाम आप सुनते आएंगे सब में दो दो नाम है। एक महान वैज्ञानिक थे बहुत बड़े जिन्होंने नामकरण किया, खास तौर से वो है द्विपद नाम का नाम पद्धति जो है इसको बाइनोमिनियल हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब केमिस्ट्री का है नोमेनक्लेचर अलग, बॉटनी का नोमेनक्लेचर अलग, चार्ल्स डार्विन रॉबर्ट न्यूक्लियस, ठीक है, और तीसरा है कार्ल लिनियस और लैमार्क। छात्रों आपको याद होगा हमने क्वेश्चन में लिन वाला नाम आया था, लिन लिन जो नाम आ जाए कभी भी तो समझ जाइएगा इसका नामकरण किसने किया है, लिनियस नाम के द्वारा किया गया, यानी कैरोलस लिनियस जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के पिता कहा गया, इनका नाम था कार्ल वॉन लिनियस। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन जो है सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों, ठीक है। तो ये है लिन, इनके शॉर्टकट में नाम एल डबल आई डबल एन एल आई डबल एन लिखा जाता है, ठीक है, ताकि आप पहचान जाएं। 20वां प्रश्न कहता है कि कैनिस फैमिलरिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैनिस, और देखें यहाँ पे छात्रों वहाँ पर जो कैटस वाला आया नाम था फेलिस नाम आया था, यहाँ पे आया है कैनिस फैमिलरिस आ गया छात्रों। तो देखिए हर जीव के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है, है ना, हमने आपसे बताया था कि बिल्ली में फेलिस लगा था क्योंकि वो बिल्ली परिवार था,
बिल्ली परिवार में हमने आपसे बताया पैंथर, टाइगर, लियोपार्ड, चिंकारा, जितने भी आप देख रहे हैं सब आते हैं, लेकिन कैनिस परिवार थोड़ा सा हटके है। कैनिस कैनाइन से बना है, फैमिलरिस का मतलब होता है डोमेस्टिक टाइप का, पारिवारिक। यहाँ पे कैट है, डॉग है, फॉक्स और वोल्फ। देखिए बिल्ली और कुत्ता दोनों जो है पाले जाते हैं, ठीक है, दोनों जंगली भी होते हैं, एक सड़क छाप टाइप के कुत्ते हैं, जंगली वाले भी होते हैं। लेकिन छात्रों यहाँ पे याद रखिएगा, अगर दोनों में ज़्यादा डोमेस्टिक की बात करें कि कैट है कि डॉग है, तो छात्रों आप तुरंत कहेंगे डॉग है। डॉग सदियों से प्रमाण रहे हैं, आज तक के नौ पाषाण काल की जब खुदाई में अवशेष मिले तो मनुष्य के अवशेषों के साथ कुत्ते की हड्डी मिली। इससे ये पता चलता है कि सबसे पहले अगर पशुओं में डोमेस्टिक कोई एनिमल था तो वो कुत्ता था। छात्र डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा लियाबल होता है, वफादार होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है कैनिस। कैनिस फैमिलरिस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है और ये मांसाहारी परिवार यानी कार्निवोरा से। कार्निवोरा देखिए इनका ऑर्डर तो वही वाला है, शेर, चीता, फाड़ वाला, नोचने वाला है, लेकिन इनकी जो फैमिली है छात्रों वो कैनिडी है, और उनकी बिल्ली वाला जो परिवार था उनका नाम था फेलिस। पेड़ पे चढ़ पाना आसानी से, दांव पेंच, लपकना, पंजे, शिकार, उनका तरीका, दबे पांव और रफ्तार, ये सारी चीज़ें उनमें हैं। लेकिन इसमें क्या, कैनेडी परिवार है और वो फेलिस परिवार था, वो कैटस था, ये कार्निवोरा, यानी ये भी कार्निवोरा से हैं, पर गढ़ है और उनका भी सेम है। 21वां प्रश्न बहुत आसान है छात्रों, ये इसका नाम आया, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मूसा, ठीक है, पैराडियासिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच प्लांट। नाम बड़े खतरनाक है छात्रों, हम खुद भी नहीं ले पाते कई बार, इन्हें सोचिएगा कि गुरुजी जो है हमारे नाम नहीं ले पा रहे सही से छात्रों, क्योंकि बहुत लंबे लंबे नाम है। अभी दक्षिण भारत वाले भी नाम रहते हैं आपने देखा होगा, उनको पढ़ेंगे लोगों के नाम नहीं पढ़ पाएंगे सही से आप, है ना, स्पेलिंग गड़बड़ा जाएगी छात्रों। तो ये सारे चीज़ क्या, वैज्ञानिक नाम आसान नहीं, क्योंकि कोई ग्रीक से हैं, कुछ लैटिन नाम है, लैटिन अमेरिकन नाम है, इसलिए थोड़ी समस्या है। मूसा, ठीक है, यहाँ पे मैंगो, वीट, कॉर्न और भुट्टा जिसे कहते हैं, मेज वगैरह बोलते हैं, और बनाना, इसको तो आप अच्छे से जानते हैं, केला छात्रों, है ना, एक ऐसा जो है फल है जो अमीर से गरीब सभी लोग आसानी से खा सकते हैं छात्रों, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहता, 100 रुपये के अंदर अगर हम कहें तो 80 रुपये बहुत ज़्यादा आपको, अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो तो बहुत ज़्यादा 80 रुपये में या 70 से 80 रुपये के अंदर अंदर बहुत बढ़िया केला आपको दर्जन के हिसाब से छात्रों मिल जाएगा, आसानी से आप आधा दर्जन भी इसको लेकर खा सकते हैं। कैल्शियम से भरपूर है छात्रों, पोटेशियम भी इसके अंदर है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर खनिज पाए जाते हैं, पेट आपका भर देता है, शरीर को फुला देता है, यानी आपके अंदर बॉडी को फुलाने का भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी छात्रों, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं अगला, आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, ठीक है, आप बात समझिएगा छात्रों, यहाँ पे जब बात कर दे आर्टिफिशियल तो आंसर अलग है, नेचुरल कह दे तो प्लांट हार्मोन्स है, दो तरह का सवाल है। तो आर्टिफिशियली जिसे हम कहते हैं पाल लगाना, ये पाल लगाना लोग वही जानते हैं जो थोड़ा गाँव देहात के हैं, ठीक है, जो थोड़ा खेती बाड़ी से जुड़े हुए वो समझ जाते हैं, कोई भूसे में पाल लगा देता है, भूसे में रख दिए छुपा के, जैसे शरीफा हमने आपसे बताया कस्टर्ड एप्पल को रख दीजिए, चूना उना लगा के मुंह पक जाता है, ठीक है, तो उस तरह का एक तरीका है छात्रों। तो भूसे में रखेंगे आम को तब भी पक जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिफिशियली अगर आप राइप करना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड किसका इस्तेमाल करते हैं, CaC2 का इस्तेमाल करते हैं छात्रों, कैल्शियम कार्बाइड है। अब तो पुड़िया बनी बनाई मार्केट में आती है, आप उसको रख दीजिए और आराम से आम के पास पक जाएगा। पकेगा कैसे छात्रों, क्योंकि जब ये जलवाष्प के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा छात्रों CA, ठीक है, ये O बन जाएगा प्लस C2 और S2 बनेगा, इसे कहते हैं छात्रों हम लोग एसिटिलीन। क्योंकि एसिटिलीन क्या है, ये आर्टिफिशियली रूप से पकाने के लिए छात्रों, किसके लिए, फलों के लिए, और एक होता है एथिलीन। तो एसिटिलीन कैसे बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ क्रिया करता है नमी के साथ तब एसिटिलीन बनता है, कैल्शियम कार्बाइड नहीं पकाएगा, पकाएगा एसिटिलीन ही, लेकिन कब, जब एसिटिलीन बनेगी छात्रों कैल्शियम कार्बाइड को रखने पर। और बचेगा क्या, चूने का पाउडर कैल्शियम ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी छात्रों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला, ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए डिजाइन की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है छात्रों, देखा जाए बहुत बढ़िया। सिग्मा प्रोटोकॉल बनाया गया ओजोन परत को छात्रों, CFC मान लिया क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैसों से बचाने के लिए, हम इनमें से किस प्रोटोकॉल का फॉलो कराया गया है, ठीक, सिग्मा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन प्रोटोकॉल और छात्रों ग्रीन प्रोटोकॉल। तो अगर देखें मॉन्ट्रियल 1987, देश का नाम कनाडा, जगह का नाम मॉन्ट्रियल, दिन
16 सितंबर 16 सितंबर को छात्रों 1987 में जो है ऑर्गेनाइज किया गया, ये प्रोटोकॉल बनाया गया, उसी दिन 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। छात्रों ये जगह कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 का अगर आपसे पूछे, मॉन्ट्रियल 1987 16 सितंबर ये प्रोटोकॉल था, चरणबद्ध तरीके से धीमे धीमे का जो है सीएफसी गैसेस के ऊपर कमी करना, उनको धीमे धीमे कम करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? अग्निशामक का मतलब होता है आग बुझाने वाला, इसे हम फायर एक्सटिंग्यूजर्स भी बोलते हैं, जो आग बुझाता है, आर्गन, हेलॉन्स और हेलोजन छात्रों, और हीलियम। तो छात्रों यहाँ पे अगर हम बात करें तो हेलॉन्स होना चाहिए, ऑप्शन बी, जिसमें सीएफसी गैसेस आती हैं जो पावरफुल होते हैं, इसमें क्लोरीन फ्लोरीन वाले एजेंट हैं, क्योंकि हेलॉन रसायनों को एक समूह का हिस्सा जिन्हें वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के रूप में जाना जाता है, जो कि फायर एक्सटिंग्यूजर आग बुझाने वाले उपकरण के अंदर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। 25वां सवाल है, हु इन्वेंटेड लेजर? ये गुड क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है छात्रों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विलियम फ्रिस ग्रीन, आर्थर फ्री, गोल्डन गॉल्ड, ओटो वान गुरिक छात्रों। तो इसके अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार गोल्डन गॉल्ड ने किया था। एक मेमन का भी नाम आपने सुना होगा, मेमन अलग है छात्रों और ये अलग है, ठीक है, गोल्डन गॉल्ड। अगला सवाल है, एलईडी का आविष्कार किसने किया? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, निक, एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, निक हेलोनॉक, एलियास होक और चक हुल और क्रिश्चियन हाइजेंस। तो छात्रों ये निक जो है होलिनियाक नाम है इनका, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दौर देखिए तो एलईडी और एलसीडी का चल रहा है, सीएफएल को ख़त्म कर दिया गया बुरी तरह से, बल्ब आपके गायब हो चुके हैं और हर तरफ एलईडी की बात की जा रही है। 27वां सवाल कहता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है यानी इसको हम बोलते हैं स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का स्थिति, ठीक है, स्थिरीकरण का मतलब होता है स्थिर करना, यानी छात्रों नाइट्रोजन के अलग अलग रूप हैं, फ्री नाइट्रोजन N2, नाइट्राइट, नाइट्रस, नाइट्रेट, अमोनिया, ये सब क्या है छात्रों? ये सब नाइट्रोजन के फॉर्म है, ठीक है, लेकिन इनका अलग अलग उपयोग है, अलग अलग इनके चरण हैं, कुछ छोटे पौधे प्राप्त कर पाते हैं, कुछ फ्री नाइट्रोजन हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, मतलब सब लोग देखा जाए तो कुल मिला के, तो ये पृथ्वी पर एक जो नाइट्रोजन का जो चक्र है छात्रों, इसके अंदर अलग अलग इनके नाइट्रोजन के प्रकार पाए जाते हैं, और इसका स्थिरीकरण का मतलब है कि नाइट्रोजन का चक्र में कभी भी कमी ना आने पाए छात्रों, इसको बनाए रखना ही कहलाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशिंग। तो नाइट्रोजन का आत्मसात करना, नाइट्रोजन गैस का उपयोग, कार्बनिक नाइट्रोजन का प्रोटीन में रूपांतरण, आणविक नाइट्रोजन का अमोनिया में या अन्य पदार्थ में रूपांतरण, छात्रों चौथा बिल्कुल सही होगा, ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, कन्वर्जन ऑफ मोलिकुलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एंड अदर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में इनका उपयोग करना, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन का अमोनिया जीवित जीवों के लिए उपलब्ध अन्य अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, यानी कि अन्य का मतलब नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रस, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब क्या रूप है, इनको बदलना ही जो है छात्रों क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करता है। थोड़े से वाष्पशील पदार्थ वाले कठोर कोयले को क्या कहते हैं? थोड़े से कह रहा है, लिटिल वोलेटाइल मैटर इज कॉल्ड छात्रों हार्ड कोयला, एक कोयला है छात्रों, क्योंकि कोयले की कई प्रकार होती हैं, कोक जानते होंगे एक आप, लिग्नाइट नाम सुना होगा, एंथ्रेसाइट का नाम सुना होगा, पिट के बारे में सुना होगा, ठीक है छात्रों, यहाँ पे बिटुमिनस के बारे में सुना होगा, सब कोयले के प्रकार हैं छात्रों, लोएस, एंथ्रेसाइट, एटॉल, लावा। तो यहाँ पे अगर आपसे बात करें छात्रों तो एंथ्रेसाइट एक अच्छे किस्म का लोहा, अच्छे किस्म का कोयला है, इसकी जो बर्निंग एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, थोड़ा सा वोलेटाइल का मतलब हल्का वाष्पशील होता है, नमी होती है इसके अंदर, भुरभुरा के नहीं जलता, जैसे कोक जलता है, कोक अलग है छात्रों, बिल्कुल भूरा सब जो है कोयला होता है, इसमें 92 से 98% कार्बन और थोड़ा वाष्प होता है, ताकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी छात्रों ज़्यादा होती है, और बेटर अगर हम कोयला का रूप कहें तो एंथ्रेसाइट्स होगा। अगला है छात्रों, हु इन्वेंटेड एरोसॉल केन? एरोसॉल जानते होंगे आप लोग, स्प्रे जो करते हैं एरोसॉल का स्प्रे, जैसे आपका ट्रेंड चल गया है, एरोसॉल केन का आविष्कार किसने किया? एरिक रोथेम, एरिक मैथ्यू, एरिक टिम, एरिक फ्लेयर छात्रों। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, स्प्रे का इनका आविष्कार 1926 नॉर्वे के एरिक रोथेम ने किया था, एरोसॉल स्प्रे छात्रों आप जान ही गए, मार्केट में भरा पड़ा, आप देख लीजिएगा। 30वां सवाल है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड छात्रों, ठीक है, देखिए कितना पेचीदा है, AlN, Al2N, AlN2, AlN2 छात्रों, एल्युमिनियम और नाइट्रोजन, एल्युमिनियम का आपको मालूम है जो बाहरी वैलेंसी होती है संयोजकता, वो 3 होती है छात्रों, नाइट्रोजन का छात्रों होता है 7, 7 में से आपको पता है 2 के बाद बचा 5, बाहर आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इनको चाहिए 3, एल्युमिनियम के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन, इनको चाहिए 5, तो एल्युमिनियम और नाइट्रोजन के साथ योग सीधा सीधा हो जाएगा, इसलिए इसका सिंपल ही फार्मूला देखें तो AlN हो जाएगा, क्योंकि इनके बाहर कोश में 7 में टोटल में बचे 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास इनको चाहिए 3, एल्युमिनियम के पास छात्रों बाहर हैं 3,
ठीक है, तो इनको छात्रों मिल गए 5, 3 मिलाकर 8, पूरी सेल पूरी हो गई ALN, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो छात्रों ये थे हमारे अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न उत्तर थे। उम्मीद है कि आज ये सीरीज हम यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस का था ये समाप्त हो रहा है, जो हम लोगों ने वादा किया था, और आप सबको परीक्षा के लिए आगामी जो एग्जाम आने वाले उनके लिए भरपूर ढेर सारी पूरी हमारी टीम की तरफ से हमारी, ठीक है, हमारे जो है डिकॉड एग्जाम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक हम कहेंगे आप लोगों को, और जल्दी हम आपको अन्य जो है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो है क्लासेस के अंदर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।